नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की हमारी 99th आरएफ की टोटल 75 की जो स्ट्रेंथ है वो आज फलकनुमा पीएस से लेकर के इस इलाके में पेट्रोलिंग या फ्लैग मार्च कर रही है, जिसका शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा असामाजिक तत्वों को उनके मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए और अपने लोगों के बीच में शांति सामंजस्य और भरोसा दिलाने के लिए ये फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। और आने वाले ये मौसम, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसे अच्छे जो कार्य है वो सही तरीके से संचालित हो और किसी प्रकार की अशांति व्यवस्था न हो, इस संबंध में ये फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। मेरे साथ मेरे असिस्टेंट कमांडेंट सुनील पवार और पूरी नफरी जो पूरे साजो सामान के साथ आई हुई है, जो विशेष उद्देश्य के लिए आई है। आज 99 आरएएफ के साथ ये अपना फलकनुमा एरिया में ये रमज़ान के महीने में और पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट और वो लोगों के दिमागों में सिक्योर फीलिंग जगाने के लिए ये लोगों के साथ फ्लैग मार्च करना हो रहा। ये जनरल अब कुछ झगड़े पंचायत हुआ तो भी ये लोगों को एरिया पे डोमिनेशन मालूम होने के लिए, एरिया के बारे में मालूम होने के लिए ये आरएफ टीम्स अपने पास रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़े तो ये खुद चलने के लिए, ये खुद आने के लिए और एरिया फेमिलराइजेशन के लिए ये टीम आ गया। हमारे सीपी साहब अपने पास भेजा है, आज अपना फलकनुमा डिवीज़न में जो है सो आज ये लोगों का पैदल दौरा चल रहा, ये फ्लैग मार्च चल रहा। ये अपना फलकनुमा पुलिस स्टेशन के से फारूक नगर ये पूरा एरिया फिर फलकनुमा अपना फुल समझ में तक बार आ जाओ इधर।